हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में बिम्सटेक के बारे में, ठीक है। इसमें बात करने वाले हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, जितने भी संगठनों के हम लोग लेक्चर बनाते जा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ठीक। तो यह खाद्य एवं कृषि संगठन, तो याद रखना यूएन की एक विशेषीकृत संस्था है। खाद्य एवं कृषि संगठन यूएन की विशेषीकृत संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। एफएओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम इटली में है। सदस्य देशों की बात करें तो 194 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। बात करते हैं आगे खाद्य एवं कृषि संगठन के उद्देश्यों की बात। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक सभी की पहुंच कराना, ग्रामीण गरीबी को कम करना, कृषि मत्स्य एवं वनों को अधिक उत्पादक एवं सतत बनाना, खतरों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना, ये सभी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के उद्देश्य हैं। फिर बात करते हैं FAO के प्रोजेक्ट की। तो ये कॉर्डेक्ट एलिमेंट्रियस लेटिन शब्द है, ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है। खाद्य कोड मानक प्रक्रिया दिशा निर्देश एवं अन्य सिफारिशें इसका प्रमुख कार्य है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खाद्य व्यापार में उचित प्रणाली अपनाए जाने के लिए भी प्रोत्साहन करना इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक। फिर है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1952 में समझौता हुआ। दुनिया भर के पौधों की कीटों से रक्षा के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो याद रखिए, ये था हमारा FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। अब बात करेंगे आगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है।